सनहौला प्रखंड के सनोखर थाना क्षेत्र सिलन खजुरिया गांव में गुरुवार को एक दुखद घटना घटी, जहां एक अधेड़ व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान खजुरिया गांव निवासी स्वर्गीय जनार्दन यादव के 69 वर्षीय पुत्र लड्डू यादव के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि लड्डू यादव सुबह गांव के पश्चिम दिशा में स्थित देवा बहियार में खेत में गनौरा छींटने गए थे, जहां गनौरा छींटने के बाद वे हाथ पैर धोने के लिए पास के बने तालाब में चले गए। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में डूब गए। वहीं बगल में मवेशी चरा रहे किसी व्यक्ति ने तालाब में उनकी लुंगी को तैरते देखा, जिसके बाद शोर मचाना शुरू किया। वहीं मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़ ने तालाब से लड्डू यादव को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक लड्डू यादव के परिवार में 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिनमें से 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और छोटी बेटी की शादी इसी साल होने वाली है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सनोखर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। इधर सनौला अंचलाधिकारी रजनीश चंद्र राय ने जानकारी दी कि जांच पड़ताल के बाद मृतक के परिजनों को सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर समाहरणालय गेट पर गुरुवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस धरने का नेतृत्व संगठन के जिलाध्यक्ष चंदन कर ने किया। धरने के दौरान जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या असंतुलन जैसी गंभीर समस्याओं से उत्पन्न संभावित गृह युद्ध के खतरे को रोकने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जिलाध्यक्ष चंदन कर ने कहा कि अंधाधुंध संतान उत्पत्ति की प्रवृत्ति पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर रोक लगाने में देरी भारत और भारतीय संस्कृति के लिए विध्वंसकारी साबित हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह विशेष वर्ग द्वारा रणनीति के तहत जानबूझकर जनसंख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं प्रदेश संगठन मंत्री मनीष दास ने कहा कि बढ़ती आबादी देश की बर्बादी का कारण बन सकती है। यदि जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश को बड़ी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हमारे दो का कानून अत्यंत आवश्यक है। वहीं बिहार प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका ठाकुर ने कहा कि देश में जनसंख्या संतुलन बिगड़ता जा रहा है और इस पर महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है। मौके पर राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार सिन्हा, कुंदन कुमारी, अमित कुमार साह, प्रीतम कुमार, राजेश साह, बजरंग बिहारी, अमरजीत कुमार, रेखा साह, प्रेमलता शर्मा, कंचन झा, रजनी सिन्हा, गुड़िया वर्मा, बिट्टू कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया है, क्योंकि इसको हम लोगों को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपना है। जिलाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाना है, इसी के लिए हम लोग आज ज्ञापन सौंपेंगे। उसी के लिए हम लोग जनसंख्या समाधान को लेकर के धरना दिए हैं, ताकि कानून लागू हो और संसद में इसकी बात भी पहले उठी है, फिर से इसको लागू किया जाए, ताकि ये जो है देश को बचाया जा सके। आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हम सभी भागलपुर के समाहरणालय गेट पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं, और ये जो धरना का आयोजन है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले हो रहा है। पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ता अपने अपने मांग को लेकर के, और हमारी बस एक ही मांग है कि देश में जनसंख्या कानून लागू हो जाए, और हम तो हमारे दो और सभी के दो का जो नारा है उसको अमल करके, और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से एक आग्रह करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे, उनको एक पत्र देंगे और प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस कार्यकाल में जनसंख्या कानून जरूर बने। श्रावणी मेला में महज 11 दिन शेष रह गए हैं और जिला पदाधिकारी के निर्देश पर विभिन्न विभागों द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बार पर्यटन विभाग द्वारा धांधी बेलारी पंचायत में टेंट सिटी तैयार की जा रही है, जहां 200 कांवरियों के रात्रि विश्राम के लिए टेंट की व्यवस्था की जा रही है। वहीं PhD विभाग भी सक्रिय हो गया है और सुल्तानगंज गंगा घाट से लेकर कांवरिया पथ तक शौचालय, झरना और पानी टंकी की व्यवस्था युद्ध स्तर पर कर रहा है। बता दें कि धांधी बेलारी
कॉलेज गेट झोंजी लखनपुर, लखनपुर तेगड़ा फॉल और तेगड़ा में कांवरियों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जबकि नगर परिषद द्वारा गंगा घाट और पूरे शहर को साफ सुथरा बनाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं कांवरिया पथ में मरम्मती का कार्य भी तेज गति से चल रहा है, जबकि सभी दुकानदार अपने अपने दुकानों को सजाने में लगे हुए हैं ताकि मेला के दौरान बेहतर सेवा प्रदान की जा सके। लोग बोले कि उससे अच्छा है कि आप यहाँ बना लीजिए, तो प्रशासनिक लोग यही पर हम। तो कितना कंवरिया इसमें ठहरेंगे? 200 बेड का है ये। 200 क्या क्या कंवरियों को सुविधा मिलेगी इस बेड में? शौचालय रहेगा, बेड रहेगा, गद्दा तकिया सब मिलेगा, चावल हवा स्टैंड रहेगा, सारा चीज़। ये निःशुल्क है? अनिशुल्क। ये किनके द्वारा लगाया जा रहा है? ये पर्यटन विभाग के द्वारा। पर्यटन विभाग के। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर पंचायत के कोलगामा गंगा में स्नान करते समय एक 17 वर्षीय छात्र आफताब आलम डूबने के बाद लापता हो गया। बताया जाता है कि आफताब आलम मुंगेर जिले के बनौदा निवासी मोहम्मद अलीम के पुत्र थे, जो मुहर्रम के अवसर पर अपनी नानी के घर कोलगामा आए हुए थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कोलगामा गांव के वार्ड सदस्य चांद कुमार ने बताया कि दोपहर के समय गंगा में स्नान करते समय आफताब आलम डूब गया और लापता हो गया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घटना की जानकारी ली और आफताब की खोजबीन शुरू की गई। वहीं लापता आफताब की खोजबीन के लिए एनडीआरएफ टीम को भी सूचित किया गया और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंचकर खोजबीन में जुट गई है। घटना के बाद पुलिस और बचाव दल की टीमें आफताब को ढूंढने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में गुरुवार को भी हल्की बारिश ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। गंगा घाट पर स्नान करके गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा करने वाले कांवरियों को नमामि गंगे घाट से बाहर आने पर रास्ते में गंदा नाला पार करना पड़ रहा है। बता दें कि श्रावणी मेला में अब महज 11 दिन शेष रह गए हैं और इस महापर्व के दौरान कांवरियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कांवरियों का कहना है कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है और उन्हें गंदे नाली का पानी पार करना पड़ रहा है। उन्होंने नगर परिषद से व्यवस्था में सुधार करने की बात कही है। तो ठीक है, लेकिन रास्ते का जो रास्ता है ये नहीं सही है। ये सही नहीं है, ये पानी उनी लग जा रहा है, बिजली हो जा रहा है, भीड़ भाड़ में मान लीजिए कितना लोग गिर जाएंगे, घायल हो जाएंगे। नाला का सफाई नहीं होने के वजह से ऐसा है। नाला का सफाई नहीं होने की वजह से ऐसा है। श्रावणी मेला के दौरान पंडा पहचान पत्र, फोटोग्राफर पहचान पत्र और दुकानदार पहचान पत्र की निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। संवेदक प्रतिनिधि नरेंद्र प्रताप चौधरी ने मीडिया को बताया कि उनके भाई धर्मेंद्र प्रताप चौधरी ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन वार्ड पार्षद नवीन कुमार बन्नी और वार्ड पार्षद संजय कुमार चौधरी ने बताया कि नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू ने पंडा पहचान पत्र, फोटोग्राफर पहचान पत्र और दुकानदार पहचान पत्र के लाइसेंस बनाने की स्वीकृति देने के लिए 2 लाख रुपए देने की मांग की थी। बात उसको रद्द करना और ये कहना कि हमको भारत सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड से लेकर सभी कार्ड बनाने का पूरा शहर जानता है, आज से नहीं 7-8 साल से ये कार्य हम कर रहे हैं, उन दोनों के पास ऑफिस तक नहीं था। जो उनके संवेदक हैं पंकज केसरी और उनका कहना है नवीन कुमार बन्नी और राजकुमार संजय चौधरी जी का कि राजकुमार जी के जो संवेदक हैं पंकज केसरी उनको नगर परिषद में सालों भर अलग अलग विभाग में काम मिलता है, तो सेटिंग से ही दुनिया चलता है। अगर आप सेटिंग नहीं करेंगे, 2 लाख रुपया नहीं देंगे सभापति को, तो टेंडर आपको नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है कि आपको टेंडर? इस मामले पर हमने जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दिया है, जिलाधिकारी महोदय ने हमारे आवेदन को स्वीकार करते हुए जाँच आगे लिख दिया है दूसरे पदाधिकारी को और कुछ दिन के अंदर ही नगर परिषद में आकर सारी चीज की जाँच होगी। क्या लगता है इसमें भ्रष्टाचार का? भ्रष्टाचार का पूरा मामला साफ साफ दिखता है। नगर परिषद के सभापति सबसे भ्रष्ट रिश्वतखोर सभापति हैं। इसके पहले भी स्ट्रीट लाइट घोटाला में उन्होंने यहाँ पर रिश्वतखोरी कर रखा है, पूरा आतंक मचा रखा है शहर में, बच्चा जानता है, ओपन हर जगह से हो चुका है, फिर भी शर्म उनको नहीं है। बेशर्म सभापति, रिश्वतखोर सभापति और उसके दो एजेंट
वार्ड पार्षद नवीन कुमार बंदी और संजय चौधरी हैं। ये तीनों की तिकड़ी मिलकर सब जितना टेंडर प्रक्रिया होता है सब में दलाली का काम, भ्रष्टाचार का काम खुलेआम ये लोग करते हैं।